हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्क्वायर बना के देखे थे और डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट तरीक़ों से बना के देखे थे कि रिपीट के साथ कैसे बनता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी तो क्या होगा, विदाउट रिपीट के अगर एक स्क्वायर शेप बनाई जाएगी तो किस तरीके से बनेगी। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम अपने स्क्रैच में दो और शेप्स बना के देखेंगे, विच इज़ अ ट्राइंगल एंड अ पेंटागॉन। सो ट्राइंगल के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि वो एक थ्री साइडेड शेप है, और थ्री साइडेड शेप के लिए जैसा कि हमने अपनी स्क्वायर वाली वीडियो में भी बताया था कि रिपीट का नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट डिफाइन करता है कि कितने साइडेड शेप होनी चाहिए, राइट। हम इस पे बना के देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ पे बनेगा फॉर द ट्राइंगल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पेन डाउन है जो कि हमारी ड्राइंग टूल है, लाइक दिस दैट मीन्स कि हमने पेन जो है वो एक बोर्ड पे रख दिया है, बिल्कुल वैसे ही कैट ने भी एक अपना पेन बोर्ड पे रख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट। रिपीट क्योंकि हम ट्राइंगल बना रहे हैं इसलिए ट्राइंगल के लिए रिपीट होगा थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स हमारा बताएगा कि ये थ्री साइडेड शेप बनाएगा। ऑलराइट, सो हम मूव कराएंगे इसको लेट से, क्योंकि हमें विजिबल बनाना है इसलिए हम 50 स्टेप्स जस्ट फॉर द कंट्रोल कि हमें पता चल रहा होगा किस लाइन पे क्या चीज़ बन रही है। हम एक वेट का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और हम एक डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे, राइट। बट हाउ डू वी फाइंड आउट कि ट्राइंगल के लिए क्या डायरेक्शन हो कि हमारा जो ट्राइंगल है विद द प्रोग्राम वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल कन्फर्म सही शेप बना रहा हो। सो लेट्स से हम पहले 15 डिग्री पे चला के देखते हैं कि हमारा एंगल क्या बनेगा और हमारी शेप क्या बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो हमारे इस प्रोग्राम पे रन होने की वजह से हमारे जो ट्राइंगल था वो एक्चुअली ट्राइंगल की शेप ही नहीं बन रहा था। दैट मीन्स कि एंगल वो पॉइंट है आपका जिससे आपका जो शेप है वो डिफाइन होगा कि किस डिग्री पे शेप बन रहा है, राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर के एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, और जब हम बात करते हैं अंदर के एंगल्स की तो उसका मतलब ये होता है कि हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। सो लेट्स से कि हम 60 डिग्री रख के देखते हैं कि क्या हमारा वाकई 60 डिग्री पे शेप बनेगा या नहीं बनेगा। सो स्टिल आपने देखा कि आपका जो शेप है 60 डिग्री पे भी उसने वो शेप नहीं बनाई। सो द पॉइंट इज कि जो स्क्रैच है वो बेसिकली इंटीरियर एंगल्स पे नहीं एक्सटीरियर एंगल्स पे काम करता है। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो किसी भी साइड के आउटर साइड वाले एंगल होते हैं, किसी भी ट्राइंगल की साइड के आउटर एंगल्स होते हैं। तो स्क्रैच का जो प्रोग्राम है वो कोई भी शेप बनाने के लिए आउटर एंगल को इस्तेमाल करता है। वन एट कैलकुलेट करना हो तो टोटल एंगल माइनस इंटीरियर एंगल विच इज़ 180 माइनस 60 एंड दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री के मुताबिक आपका जो भी शेप है जब वो बनेगा तो वो एक ट्राइंगल की शेप बनेगी। तो लेट्स से हम देख लेते हैं कि हमारा 120 पे भी बनेगा या नहीं बनेगा। ऑल राइट, तो जैसा कि आपने देखा जो हमारा ट्राइंगल है वो बिल्कुल परफेक्टली 120 डिग्री पे बिल्कुल परफेक्ट एंगल बना है, उसमें कोई गलती नहीं है। इससे हमें ये बात पता चली कि हमारा जो शेप है जो भी स्क्रैच बनाता है वो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल से बना रहता है। सो फॉर द पेंटेगॉन अगर आपने एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है तो इसके कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास किसी भी एक टू डायमेंशनल में 360 डिग्री होता है, सो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्योंकि पेंटेगॉन में 5 साइड्स होती हैं तो जब आप 360 को डिवाइड करते हैं 5 से तो दैट इज इक्वल टू 72। सो आपका पेंटेगॉन बनाने का जो एंगल है विच इज़ 72। तो लेट से अगर हम इसको 72 रखते हैं, और क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं जो हमने कहा था कि रिपीट के अंदर वो नंबर आता है जितने साइडेड शेप होता है, सो जब आप इसको रन करेंगे तो लेट से हमारा आउटपुट क्या आता है। ऑल राइट, सो दैट्स परफेक्ट, ये हमारी एक 5 साइडेड शेप है। सो आज इस प्रोग्राम्स के थ्रू हमने दो तीन कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानी हैं, वो ये कि कोई भी प्रोग्राम ड्राइंग में बनाने के लिए अगर कोई शेप बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास हमारे एक्सटीरियर एंगल्स, हमारी नंबर ऑफ साइड के वो कितने साइडेड ऑफ शेप है, और हमें उसको कितना मूव कराना है, एंड ऑल्सो द पेन डाउन कमांड जो कि हमारी एक्चुअली ड्राइंग बनाना शुरू करती है।